इंडिया में है, मैं कह रहा इंडिया हूँ में इंडिया में, वो भी विदाउट मास्टर्स। कई बच्चों को पता नहीं है कि इंडिया के पैकेजेस भी इतने ज्यादा हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वन करोड़ पीपल कैन इजीली कर। सो हेलो एवरीवन, मीट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंगलोर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ अ स्टूडेंट कैन मेक इट टू द 1 करोड़ मार्क पैकेज, जो एक बंदा ड्रीम करता है आफ्टर ग्रेजुएटिंग, चाहे किसी भी कॉलेज से हो, वो इंडिया में कैसे पॉसिबल है। सो लेट्स टॉक टू शुभम फॉर दैट। सो द गोल ऑफ दिस वीडियो इज प्रेटी मच टू टेल यू कि जब भी एक स्टूडेंट अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करता है, ड्रीम जॉब, ड्रीम सैलरी, हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ मुझे इतना पैकेज चाहिए, ये फील्ड होनी चाहिए या फिर ये पोजिशन होनी चाहिए। एंड मोस्ट केसेज में ये फर्स्ट जॉब में पॉसिबल नहीं होता या फिर नहीं होता, सारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते। इसी कारण मैं आपको एक हायरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कॉल्ड गीक्स फॉर गीक्स। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसे गीक्स के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एक भी इंटरव्यू दी है, एक भी कोडिंग इंटरव्यू दी है, अगर आप वो क्वेश्चन गूगल करते हो, पहला रिजल्ट गीक्स फॉर गीक्स से ही आता है। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे यू कैन फाइंड मोर देन 6 मिलियन प्लस यूजर्स, एंड एज अ प्राउड इंडियन आई कैन से इट्स एन इंडियन कंपनी फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स पेविंग देयर वे इनटू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। एंड जब भी आप गीक्स फॉर गीक्स विजिट करोगे, जब भी आप उनका कोई कोर्स कंप्लीट करते हो, यू कैन ऑल्सो विजिट देयर हायरिंग प्लेटफॉर्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अप्लाई टू कंपनीज लाइक पेटीएम, फोन पे, प्यूमा, टॉप कंपनीज की आपको वहाँ लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो काफ़ी स्टूडेंट्स को इनके पोर्टल से जॉब्स मिली है। देर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन सी देयर एंड गेट कनेक्टेड, एंड यू कैन नाउ अप्लाई फॉर एब्सोल्युटली फ्री विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द इंटरव्यू। तो आप बताना आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंट्रोडक्शन एंड आपका एक्सपीरियंस इन बैंगलोर सो फार। तो माई नेम इज शुभम और मैंने अपनी इंजीनियरिंग किया इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम थापड़ यूनिवर्सिटी। और थापड़ यूनिवर्सिटी से ही मेरी प्लेसमेंट हुई थी इन बैंगलोर ऑन कैंपस। हाँ, ऑन कैंपस प्लेसमेंट इन बैंगलोर। और मैं उस कंपनी में मैंने 2 साल काम किया, देन आई जंप टू अनदर कंपनी वेर आल्सो वर्क फॉर 2.5 years, एंड राइट नाउ इट्स माई थर्ड कंपनी विच आई ज्वाइन फ्यू मंथ्स बैक। Awesome. तो अभी आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर SD2 हो या फिर आपकी पोजीशन क्या है? सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैं, इक्विवेलेंट टू सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट इज SD2, राइट? SD2, राइट? सेम, मेरा भी सेम है, मेरा अभी हुआ है। तो आप बताना कि लाइक आपने कंपनीज चेंज करके प्रमोशन लिया कि आपको प्रमोशन अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में मिला फिर जाके आपने ट्रांसफर किया? क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हेन इज द राइट टाइम टू चेंज कंपनी टू ग्रो इन योर करियर। एक्चुअली मेरी प्रमोशन एक टाइप से कह सकते चेंज करने से थी, अगर मैं सेम कंपनी में रहता तो भी 6 months के अंदर हो जाती, पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, मतलब कह सकते हो कि कंपनी भी अच्छी थी, सेम लेवल की थी जिसमें मैं जा रहा हूँ, और पैसे ज़्यादा दे रहे थे लास्ट में। तो कितनी देर में प्रमोशन हो गया SD2? नॉर्मली मैं कहता हूँ कि जिन कंपनी को मैं जानता हूँ उनमें नॉर्मली 2 to 3 years होता है, और मैक्स केस में भी 3 to 4 years होता है। बहुत रेयर कंपनीज है जिनमें 5 years होता है, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन है जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 to 5 years होता है, उनमें SD1 SD2 नहीं होता, उसमें होता है कि ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो 2 होता है, तो 5 साल भी लग सकते हैं। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लाइक कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरी 1.5 साल में प्रमोशन हुई है तो इट्स नॉट लाइक इट एवरी कंपनी, सो हर एक कंपनी में डिपेंड करता है। और जैसे कि कई अमेजोन के इंजीनियर उनके काम ज्यादा दे दिया जाए तो उन्हें जल्दी भी हो जाता है और लेट भी होता है, right? मतलब उनका टाइम भी डिफरेंट है, उनमें तो मतलब 1.5 year 3 years भी होता है, इस रेंज में होते हैं। मैं जानता हूँ मेरा कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं जिनका 2.5 2 years 9 months में हुआ है। मैं कुछ जानता हूँ जो जूनियर है जिनका 1.5, मैंने एक केस में सुना था, मैं श्योर नहीं हूँ, वो मेरे जूनियर ने बताया था मेरे को कि उसका जो फ्रेंड है वो 1 year में हो गया, मतलब कुछ 12 13 14 months। वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैकेजेस। कई बच्चों को पता नहीं है कि इंडिया के पैकेजेस भी इतने ज़्यादा हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ स्टूडेंट्स के पैकेजेस कॉलेज के बाद प्रमोशंस लेने के बाद कैन गो इवन अप टू 1 करोड़ एंड इवन बियॉन्ड दैट, जब आप प्रमोशंस अच्छे से ले लेते हो। तो अब बात करते हैं कि SD1 और SD2 के पैकेजेस में कितना डिफरेंस आ जाता है, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट 1 करोड़। मतलब SD1 तो स्टार्ट हो जाते हैं भाई 2 lakh से 2, 3, 4, एंड आई थिंक दे गो अप टू 40 lakhs। 40 lakhs 40 lakhs 30 to 40 lakhs इज रेंज मेनली फॉर कंपनीज लाइक सेल्फोर्स, उबर। अगर उनका तुम लोग 1.5 2 साल के एक्सपीरियंस में SD1 निकालते हो तो इस रेंज में मिल जाता है, गिवन दैट यू ऑल्सो हैव सम कॉम्पिटिटिव ऑफर। नहीं तो नॉर्मली 30 32 के आसपास रेंज करता है, पर अगर कॉम्पिटिटिव ऑफर है तो इट कैन गो बियॉन्ड 35। तो ये एनुअल 1 year का ऑफर है। वन ईयर, इट्स नॉट 4 year stock, इट्स इंक्लूडिंग ओनली 1 year stock।
तो इसमें इसमें आप स्टॉक्स RSUs बोनसेस सब कुछ मिला स्टॉक्स एक साल का स्टॉक मिला रहा हूं मैं 4 इयर्स के लिए मतलब स्टॉक ग्रांट मिलती है 4 इयर्स के लिए और मैं जो पैकेज बता रहा हूं ये 1 ईयर का है जिसमें सिर्फ एक साल के स्टॉक इंक्लूड है तो 1 ईयर का पैकेज आप बता रहे हो कि 2-3 लाख से 40 लाख तक चले जाता है हां 40 लाख एक्सट्रीम केस है मतलब मोस्टली SD1 30-32 तक ही चलता है नॉर्मली वैसे SD2 स्टार्ट हो जाता है 22 के ऊपर तो मोस्ट कंपनीज के लिए जैसे अपने कोई नॉर्मल कंपनीज हो गई जो कुछ छोटी कंपनीज मान लो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह टॉप कंपनीज निकाल दो 10-12 तो दूसरी कंपनीज रह गई बाकी उनका सीनियर सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है 20 कुछ का 16-18 से स्टार्ट हो जाता है प्रमोशन के बाद कैसे पैकेज चेंज होता है वही कह रहा हूँ ये कंपनी पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कुछ कंपनी में तो नॉर्मल बस प्रमोशन हो टाइटल चेंज कर दिया पर पैकेज सेम 5% बढ़ाएंगे 5-10-15% कुछ कंपनी में 20-25% थोड़ा सा मतलब 5-10% नॉर्मल इंक्रीमेंट से ज़्यादा देते हैं पर अगर हम इन कंपनीज बात करें लाइक माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन इवन माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ा साइड पे करते हैं ये हो गया अमेजोन टाइप कंपनीज इनमें काफ़ी बड़ा जंप आता है इनमें कह लो कि एक टाइप का डबल टाइप कह सकते हो डबल नहीं तो एटलीस्ट 60-80% मतलब जंप हो जाता है ओवरऑल पैकेज में बहुत बढ़िया है तो इसका मतलब है अगर आप उस पैकेज पे नहीं जा रहे हो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ कंपनी चेंज राइट इन द सिटी दिस इज सच अ कंपेटिटिव सिटी बैंगलोर यहाँ पे यू नो आपको जॉब इजीली मिल भी जाती है एंड फायरिंग भी इजीली हो जाती है अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं इट्स लाइक सिलिकॉन वैली जैसे यूएस में वैसे यहाँ पे सो बेसिकली अगर आपको अपना पैकेज रिजर्विंग नहीं मिलता आपको डेफिनेटली एम करना चाहिए फॉर अ बेटर कंपनी राइट मतलब चीजें पे डिपेंड करता है अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी है पैकेज भी ठीक है मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा कम है ठीक मिल रहा है यू आर हैप्पी विद दैट मतलब हैप्पी नहीं यू मतलब ओके विद दैट पर टेक स्टैक बहुत अच्छा काम करने को मिला है मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज काम करने को मिल रहा है जो बिल्कुल न्यू है एक्साइटिंग टेक है आप सीख रहे हो जिस दिन आपकी सीखने की ग्रोथ जैसे 3-4 इयर्स पहले क्या था कि उस टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी जिन्होंने क्लाउड सर्विस पे वर्क किया है जैसे AWS पे टीम पे काम किया था उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी अभी भी बहुत ज्यादा है कि जो AWS पे काम करते हैं कुछ नई कंपनी स्मॉल कंपनी से जो अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रही है काफी ज्यादा पैकेज उनको देके बुला लेती है खींच लेती है तो ऐसा होता है टेक स्टैक बहुत डिपेंड करता है So basically, जब आपकी नॉलेज स्टैग्नेंट रह रही है एंड पैकेज स्टैग्नेंट रह रहा है तब आपको डेफिनेटली चेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए मतलब तुम अगर 10-12 घंटे डाल रहे हो अपनी जॉब पे उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा मतलब 3-4 लाख हुए तो मतलब क्या फायदा है फिर तो चेंज करो यस नाउ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये बताओ कि 1 करोड़ लोग कैसे कमा लेते हैं इज इट SD3 SD2 तो 1 करोड़ जो पैकेजेस आपने सुने हैं इंडिया में पर ईयर कैसे हो वो मेनली SD3 ही है SD3 मतलब SD3 रेंज स्टार्ट हो जाती है बिग कंपनीज में लाइक कॉइनबेस अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम 70 to 80 मतलब वो नॉर्मल सा ही है बट 1 करोड़ पीपल कैन इजीली गेट विद 8 to 10 years मतलब SD3 SD3 कैसे बनते हैं आप ये भी बताओ मतलब 1 करोड़ मैंने भी सुना मैंने भी एक देखा था नेटफ्लिक्स में इंडिया में एक बच्चे को 1 करोड़ दिया था बट देयर आर रेयर केसेस लोग सोचते हैं कि MBA करो मास्टर्स करो तब होता पर वो मोस्ट लाइकली US में तो नहीं है इंडिया में है इंडिया में वो भी विदाउट मास्टर्स ये भी याद रखो विदाउट मास्टर्स जस्ट विद अंडरग्रेजुएट डिग्री एंड योर एक्सपीरियंस क्या बात है अभी कैसे होता है बताओ एक्चुअली वो डिपेंड करता है काफी अगर तुम तो वैसे नॉर्मल बैकएंड इंजीनियर टाइप हो तो वो SD3 बहुत सिस्टम डिजाइनिंग होता है मतलब मोस्टली एक या दो राउंड हो गए डेटा स्ट्रक्चर पर बाकी सब होगा प्योर सिस्टम डिजाइन LLD HLD इवन विद प्रोजेक्ट डिस्कशन तुम लोग मतलब पिछली कंपनी में प्रोजेक्ट लीड किए थे क्योंकि SD3 का काम होता है लीड करना वो बहुत मतलब कह सकते हो कि टीम्स को लीड करते हैं एक टीम को नहीं मल्टीपल टीम्स को कई बार लीड करते हैं कुछ कंपनीज में तो उसकी वजह से वो रहता है तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तुम्हें कुछ पोजिशंस के लिए होता है कि शायद ना जरूरत हो जैसे कि फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उनका वैसे भी काउंट छोटा आता है टीम भी छोटी लीड करनी होती है तो अगर तुम उनका इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट तरह से होता है कि वो प्रैक्टिकल मोर होता है कि उसी टाइम वो बोलते हैं कि डिज़ाइन करके दबाओ हमें फीचर ऐसा तो वो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है पर उसमें पोजीशन भी कम है फिर अपॉर्चुनिटीज भी कम है फ्रंट एंड में और अपॉर्चुनिटी बैक एंड में तो कंपटीशन ज़्यादा है तो तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट लीड करने का तुमने कुछ पिछली कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं बनाया अच्छा या कुछ इंपैक्टफुल काम नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंटरव्यू में तुम उसको सेल कर पाओ कि हाँ मेरे पास SD3 एक्सपीरियंस है तभी मोस्ट काफ़ी लोग जो 7-8 एक्सपीरियंस के होते हैं जो SD3 के लिए अप्लाई करते हैं काफ़ी टाइप को डाउन लेवल हो जाते हैं तो SD2 ये डाउन भी हो सकते हैं डाउन ग्रेड भी हो सकते हैं आप मतलब तुमने दिया इंटरव्यू SD3 का था पर क्या हुआ कि उनको लगा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है तुमने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया जो SD3 लेवल के हैं प्रोजेक्ट डिस्कशन जब होती है उससे क्लियर हो जाता है ना कैसा काम किया है कैसे लीड किया है कितनी बड़ी टीम लीड किया है ऐसा कुछ तो उसमें डिपेंड करता है अगर उनको लगता है कि नहीं मतलब
कुछ ऐसा अभी काम इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी चीज़ें सही हैं। तो वो SD2 दे देते हैं, SD2 का फिर हाई थोड़ा हाई पैकेज दे देते हैं मतलब जो एक्सट्रीम केस होते हैं, मतलब आप तो वैसा होता है कि 60-70-75 तक SD2 दे दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर अच्छा परफॉर्म करोगे मे बी 1-2 years यू कैन गेट SD3, तो ये होता है। Awesome. So let's summarize. So overall, आपसे अभी मैंने सीखा कि अगर आप करियर में फोकस दो एंड यू आर शार्प, so let's summarize the video. Overall, अभी हमने शुभम से सीखा, अगर आप करियर में फोकस दो एंड इफ यू ट्राइंग टू ग्रो तो स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब अगर तुम अपना मतलब बेस सॉलिड रख रहे हो ना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्लियर है और थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन है, मतलब तुम्हारे पास है भी कुछ प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, मतलब प्रोजेक्ट जरूरी नहीं कि तुमने पूरा बनाया है, तो तुमने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जिसको तुम बोल सको कि हाँ मैंने ये बेटल प्रोजेक्ट पे काम किया है, ऐसे सर्विस पे काम किया है जो बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल करती है, ऐसा मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम किया है, मैंने ऐसे लीड किया है। हाँ लीड तो मतलब वो उनके लिए हो गया जो हाई लेवल एक्सपीरियंस है, मोस्टली 4-5 years एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनके लिए इतना नहीं होता, उनको होता है कि हाँ उन्होंने फ्यूचर लीड किए हैं या माइनर प्रोजेक्ट लीड किए हैं या कुछ काम किया है काफ़ी अच्छा जो इम्पैक्टफुल है, तो सेल करना आसान हो जाता है क्योंकि एक एक टाइम पे वो एक राउंड ऐसा होता है जिसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे SD1 के लिए तो ठीक है, SD1 अगर तुमने किया है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स देन सेट है, उसको क्लियर कर लो अच्छे तरह से बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, पर आगे जाने के लिए आपको नए इनोवेटिव टेक पे काम करना पड़ेगा, प्लस सिस्टम डिजाइन क्लियर होना चाहिए, उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये चीज़ों का क्लियर होना चाहिए। और एक और चीज मैंने सीखी है अपने करियर में, मैं अपनी गाइडेंस पे शेयर कर देता हूँ कि कभी कभी आपको सीखने के लिए इफ यू हैव टू रीइन्वेंट द व्हील देन स्टिल गो फॉर इट, राइट। कभी कभी जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आप सोचते हो कि यार ये प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप खुद स्क्रैच से उसका डमी प्रोजेक्ट बना के देखो कैसे वो काम करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आती है एंड यू लर्न मोर। हाँ ऐसा बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल स्टार्टअप वगैरह में मशीन कोडिंग राउंड आ गया जिसमें वो बोलते हैं कि ये एक हम लोग को सिस्टम बनाना है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट हो या मतलब सबसे एफिशिएंट हो सोल्यूशन, बस वो कोड उनको इम्प्लीमेंट करना है, बट वो कोड होना चाहिए प्रॉपर मतलब मॉडल फॉर्मेट में प्रॉपर विद डिज़ाइन पैटर्न्स कि मतलब ऐसा ये सब चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तो वो 2-3 hours का राउंड होता है, अगर तुम वही निकले कर रहे तो फर्स्ट राउंड में बाहर, तो ये है। या ऑलवेज बी अपडेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्लाउड जो भी आ रहा है स्टे अपडेटेड एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, स्पेशली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर गुड स्टार्टअप्स, उनका पहला राउंड ही मशीन कोडिंग होगा, अगर तुम वो कोड ही नहीं कर पाए, मॉडल कोड नहीं कर पाए, कोड ऐसा नहीं लिख पाए जो डिकपल हो सके टाइम पे, तो वो तो पहले राउंड में निकाल देंगे, तो इंटरव्यू में भी पहुंचोगे, वो तो बस कोड लिखा तुमने, उन्होंने देखा कोड तो ये कुछ भी नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच शुभम, कोई और फाइनल टिप्स अगर आप शेयर करना चाहो अपने करियर में जो आपकी जिसने आपको हेल्प किया टू बिकम SD2 एंड यू नो टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर करियर इन टर्म्स ऑफ पैकेज या फिर इन टर्म्स ऑफ यू नो एक्सपीरियंस? मतलब मेरा तो यही है कि एटलीस्ट अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे पढ़ने को, पर जो बेसिक चीज़ें हैं उनको रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम, एटलीस्ट मतलब डेटा स्ट्रक्चर भी तुम्हारा होना चाहिए पूरा अच्छी तरह से कि मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कैसे हैं, मतलब ये नहीं कि आज पढ़े इंटरव्यू दिया कंपनी में चले गए 3 महीने बाद याद भी नहीं है कि लिंक्डइन का क्वेश्चन कैसे करना है, लिंक्डइन ट्री का कैसे क्वेश्चन करना है, वो बेसिक क्लियर होने चाहिए और एटलीस्ट एक लैंग्वेज का अच्छी तरह से होना चाहिए जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हाँ मतलब वो लैंग्वेज मेरे को आती है, मैं उसमें कुछ अगर मेरे को कोई प्रोग्राम करना पड़े मैं उसमें आराम से कर सकता हूँ, एक्सपर्टीज है। वही है, थोड़ा बहुत साथ में जब एक्सपीरियंस आता होना तो डिजाइन पैटर्न देखते रहा करो, मतलब उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे मैं अभी कुछ काम करता हूँ मेरे भी बहुत यूज किया जाते हैं कि हाँ यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हो सकता है, इससे बेटर होगा, कोड को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऐसा रिवाइज करते रहो थोड़ा बहुत साथ में, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, मे बी वीकेंड में once in a month or 2 months, ठीक है। So thank you so much Shivam, आपका experience बहुत students को inspire करने वाला है to be in Bangalore and to be in India towards the career. Thank you so much. Okay. And do not forget to check out Geeks for Geeks hiring platform, क्योंकि 1 crore तो क्या इससे भी ज़्यादा बड़े dreams आप achieve कर सकते हो अगर आप apply करना अभी से start करते हो. So use the link in the description below.